नमस्कार के पिक्समिस में आपका स्वागत है, मैं पूजा आपके साथ। चलिए तेजी से एक नजर डालते हैं देश विदेश के सुर्खियों पर। तेलंगाना साइबराबाद के फार्म हाउस में रेवा पार्टी बीआरएस के बड़े नेता का रिश्तेदार था आयोजन। भारत में हर युग में चुनौती आई, पीएम मोदी कर रहे हैं 115वीं मन की बात। डिजिटल अरेस्ट फरेब है, कोई एजेंसी फोन पर पूछताछ नहीं करती, मन की बात में बोले पीएम मोदी। एनिमेशन के क्षेत्र में भारत कर रहा है क्रांति, मन की बात में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। आगरा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के छापा, 8 करोड़ की नकली दवाइयां बरामद। क्रिकेट ईशान किशन के पिता जेडीयू में होंगे शामिल, पटना में लेंगे पार्टी की सदस्यता। मुंबई बांद्रा टर्मिनल स्टेशन पर ट्रेन में जल्दी चढ़ने के दौरान मची भगदड़, 9 लोग जख्मी। बिहार पूर्व सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा आरजेडी में होंगे शामिल। दिल्ली की AQI लेवल फिर खराब, जहांगीरपुरी में AQI 4-1-4-10। मैक्सिको में भीषण हादसा, बस एक्सीडेंट में 19 लोगों की मौत। आज से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए खुलेगा जयपुर हवाई अड्डे का टर्मिनल पर। हम हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फैसला हमारे पक्ष में होगा। ज्ञानवापी केस पर बोले जगतगुरु राम भट्टाचार्य। लेबनान की राजधानी बेरूत में देर रात कई धमाके हुए। ईरान पर IDF के हमले को लेकर US रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने इजरायली रक्षा मंत्री से की बातचीत। लखनऊ के चिनहट थाने में एक युवक की पुलिस हिरासत में मौत। कानपुर लापता महिला का शव DM कंपाउंड में मिला। ईरान की सभी S-300 वायु रक्षा प्रणालियों को इजरायल ने निशाना बनाया, रिपोर्ट। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में दंगे भड़काने की पूरी कोशिश कर रही है, बोले बीजेपी नेता राहुल सिन्हा। गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे, आज भाजपा के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में भाग लेंगे। सड़क से फिसलकर कार खाई में गिरा वाहन, 1 जवान की मौत, 13 घायल। CP के पालिका बाजार से 2 चाइनीज ड्राइवर जब्त, पुलिस ने टेली कम्युनिकेशन विभाग को किया अलर्ट। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर भगदड़ में 9 लोग घायल। एक्सप्रेस में इस वक्त के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों में। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल 24/7। धन्यवाद।